कि इंपोर्ट पहले या एक्सपोर्ट पहले। इंपोर्ट एक खराब चीज है या एक्सपोर्ट कोई बहुत बढ़िया चीज है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अशोक सर आ चुके हैं जिनके पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर। मैं आप सबको बताता हूँ, आप सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भाई, बट आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही होगी कैसे करें, समझ में नहीं आता होगा, और 90% यूट्यूब पे कोर्सेज सेल आउट हो रहे सब जानते हैं, बट कोर्सेज के साथ आपको एक मेंटोर भी चाहिए होता है। तो मैं स्वागत करता हूं अशोक सर का। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए सर, थोड़े से क्वेश्चंस थे मेंबर्स के। बिल्कुल। और मेंबर्स क्या चाहते हैं कि मेरे को वो गाइडेंस करने वाला मेंबर मिले जो कि जिसका खुद का काम हो। ये 90% लोग क्या है, सब सिखा तो रहे हैं बट उन्होंने 5-10 साल पहले काम कराए और उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया है। बिल्कुल सर, थोड़े बहुत सवाल है अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल राहुल जी, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आज के युग में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किसी को नहीं सिखा रहा है, क्योंकि अगर वो काम करने वाला नहीं सिखा रहा है और वो लोग सिखा रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं, उनको खुद ही काम करना नहीं आता है। तो आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, मुझे आपने इन्वाइट किया है, दिस इज वेरी गुड, और हम चाहते हैं कि हमारा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके नंबर वन पर आ जाए। बिल्कुल। और सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जितने भी मेंबर हैं, सर के 16-17 लाख व्यूज हैं, आप जाके सर की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप उसको चेक करो, हमारे 2-3 चैनल है पर्टिकुलर, वहां पे जाइए आप देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और आज इसमें भी बहुत डीपली हम बात करेंगे, 20-25 मिनट की वीडियो लंबी होने वाली है, बस मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो भी पूरी देखना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का फायदा है उसमें। तो सर जैसे कि सारे मेंबर्स आए हैं यहाँ पे, तो पहले इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, क्या चीज बढ़िया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंपोर्ट पहले या एक्सपोर्ट पहले। तो लोगों के मन में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई इंपोर्ट एक खराब चीज है या एक्सपोर्ट कोई बहुत बढ़िया चीज है। बिजनेस के तौर पर भारत के अंदर इंपोर्ट की भी उतनी आवश्यकता है जितनी एक्सपोर्ट की है, और आप एक अच्छी कीमत पे इंपोर्ट करके देश का फायदा करते हैं। आज इंपोर्ट के बगैर इंडिया जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल। वो जमाने गए जब गांधी जी कहते थे स्वदेशी, लेकिन आज सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हमें, जब आप हमारे पास आएंगे, हम आपकी, हमसे बातचीत करके हम ये डिसाइड करेंगे कि आपके कॉन्टेक्ट्स, आपका बजट, आपकी नॉलेज के हिसाब से इंपोर्ट आपके लिए अच्छा है या एक्सपोर्ट आपके लिए अच्छा है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम बता दें इंपोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट अच्छा है। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बट अगर कोई मेंबर आए, वो कहे नहीं जी मेरे को पता ही नहीं है कि इंपोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट अच्छा है, तो आप बताओ आपके क्या राय है? तो मेरी जैसे मेंबर, और देखो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा उसको कर लो, क्योंकि आगे वीडियो आपके पास आएगी बार बार, ठीक है ना? तो सर आप ये बताइए, इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें? जब कोई मेंबर हमारे पास आता है तो हम उसके साथ बातचीत करके, इंडिविजुअल बातचीत करके, ग्रुप में बातचीत करके, उसको ये दोनों ही चीजें बताते हैं कि इंपोर्ट एक्चुअल में क्या है। लोगों को पता ही नहीं है इंपोर्ट क्या है, वो सोचते हैं घर बैठे बस फोन किया जैसे वो ब्लिंकिट पे माल आ गया ऐसे आ जाएगा। आ जाएगा, सही बात। और एक्सपोर्ट भी ऐसे ही है, उसमें कितनी मेहनत लगती है वो लोगों को। हाँ, तो हम उसको वो दोनों ही चीजें प्रॉपर बताएंगे जिससे कि वो समझ सके कि मेरे लिए इंपोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट अच्छा है। तो सर जो लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, जितने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंडिया का कहते हैं बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 25,000-30,000 बच्चे पढ़ा दिए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग उन्होंने कोर्सेज बेच दिए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी राहुल जी, बहुत ही अच्छी बात है, वो जो इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? और आपको पता ही है हमारे पास वो तो छोटे छोटे कोर्स बेच रहे हैं जो 2 महीने का, 4 महीने का। हमारे पास MBA किए हुए लोग आते हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने तो सब पढ़ा हुआ है जो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं सॉरी, जो हम यहाँ पर बताते हैं। थ्योरी पढ़ने से वो अपना काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट है वो थ्योरी सिखा रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। तो वो आप वहां से सीख कर आ जाइए तो भी आप हमारे पास आएंगे, और आप फ्रेश आएंगे तो भी हमारे पास आएंगे। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है आपके साथ बैठकर, वो ऐसा डिजाइन किया है कि मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल,
और मैक्सिमम बिजनेस उसमें करना, तो ये एक अच्छा आपने डिसाइड किया है स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म पे कि जो भी आएगा चाहे वो उसको जीरो मालूम हो या वो एमबीए किया हुआ हो या ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, वो कैसे अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, ये हम लोग यहाँ पर उसको बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर एक चीज बताइए, आपने ये तो बताया पूरा, बट इम्पोर्ट के कोई ऐसे 5 प्रोडक्ट बताइए जिससे कस्टमरों को बेनिफिट हो। क्योंकि आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, हमने पहले ही कस्टमर को बता दिया कि 20 मिनट लंबी होने वाली, 20-25 मिनट, तो देखिए आपका भी मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप अभी जस्ट मीटिंग से उठ के आए हैं और थोड़ा सा मैंने वीडियो के लिए बोला है आपको जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 5 इंपोर्ट के ऐसे प्रोडक्ट बताइए जो एक्चुअल में, और आपके कई काफी मेंबर हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं जो आज प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो ऐसे 5 प्रोडक्ट बताइए जो कि ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हो लोग और काफी प्रॉफिट भी हो, उसमें चाहे चाइना भी हो आप उनसे ही बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हम बताने से इसलिए डरते हैं कि आपको लगेगा पता नहीं इसमें इनका क्या फायदा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं सारी ऑडियंस को बताया था इसका कोई फायदा नहीं है कोई भी प्रोडक्ट में, बस सर से एक गाइडेंस हम ले रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉफिटेबल है और क्या नहीं। प्रॉफिटेबल तो सब है, जो इम्पोर्ट हो रहा है या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है सब प्रॉफिटेबल है, बट एक्चुअल में आपको कितनी नॉलेज है उससे, कितनी आपको बेनिफिट है उससे, वो चीज सर बताएंगे। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे 5 प्रोडक्ट कोई भी ऐसे बताइए आप। एक्चुअल में राहुल जी हम 5,000 प्रोडक्ट्स में 5 प्रोडक्ट निकालना और ये कह दें ये सबसे बढ़िया है, ये बहुत गलत नोशन हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी का अपना एक अनुभव है, किसी लाइन में अनुभव है, तो हम उसको चेंज करके हम कोशिश करते हैं कि उसी से मिलता जुलता जिसमें उसको अनुभव है या वो जिस जगह रहता है वहां उस चीज की सेल है, डिमांड है, उसके हिसाब से बताते हैं। वेबसाइट नोट कर लीजिए आप, www.trademap.org, इसमें आपका क्या बेनिफिट होता है, इसमें वो बेनिफिट होता है कि आपके एरिया के, सर ने मेरे को बताया है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है सर, सपोज आप मेरठ से, मेरठ में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या इंपोर्ट हो रहा है, तो आपको वेबसाइट बताएगी, उसके बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे। बट फिर भी आज हम सर से जबरदस्ती पूछेंगे कि सर 5 प्रोडक्ट ऐसे बताइए जो कि इंपोर्ट करने लायक है। देखिए राहुल जी फिर से मैं कहूंगा कि किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। मैं एक प्रोडक्ट तो बता सकता हूँ, बिल्कुल, बाकी 4 नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक, जैसे गोल्ड इंपोर्ट करना है, हाँ जी, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट शुरू ही 15-20 करोड़ से होता है, बिल्कुल, तो हर आदमी नहीं कर सकता उसको। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो शुरू 100-200 करोड़ से होता है, हर आदमी नहीं कर सकता। और फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत चीजें हैं, मैं ये कहूंगा हम कोशिश ये करते हैं कि वो चीजें हम इंपोर्ट की आपको बताएं, तो सर, जो कमोडिटी में हो रही है, ऑडियंस जो आपसे जुड़ती है उनको तो आप सारा बताते होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं, ओके, उनको वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या बजट है, उनकी मैन पावर क्या है, उनको नॉलेज कितनी है, इसके आधार पर हम उनके लिए ये बिल्कुल, आप तो ये कह रहे हैं डॉक्टर से कहें ऐसी 5 बीमारियां बताएं जिसके की इलाज होने चाहिए, हर आदमी की बीमारियां अलग हैं, वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक प्रोडक्ट मैं आपको जरूर बोलूंगा जिस पर हमारी वीडियोस बनी हुई है, मेटल स्क्रैप इंपोर्ट इंडिया में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया की में मेटल की शॉर्टेज है, ओके, तो अगर आप मेटल इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया की एक कमी को पूरा करते हैं, ओके। कोल है, कोल भी एक बहुत अच्छी आइटम है, लेकिन उसमें आप 100-200 करोड़ से कम का काम करेंगे आप नहीं सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मेटल स्क्रैप में आप 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख से